कोरोना की वजह से अमेरिका के चिड़ियाघर में एक 4 साल के बाघ की मौत हो गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे, मैं जीशान जावेद आपके साथ। इन दिनों जहां एक ओर पूरी दुनिया कोरोना जैसी बीमारी से जूझ रही है, वहीं दूसरी ओर वन प्राणी एक्सपर्ट वन प्राणियों को लेकर चिंतित हैं। ऐसे में कोरोना से न्यूयॉर्क में एक शेर की मौत से सबको चिंतित कर दिया है। हमने भी जानने की कोशिश की, क्या वाकई शेरों को कोरोना से खतरा है? पिछले दिनों अमेरिका के न्यूयॉर्क के चिड़ियाघर में एक शेर की मौत हो गई, वह भी कोरोना की वजह से। इसके चलते भारत में भी बाघों को हाई अलर्ट पर रख दिया गया। एक्सपर्ट मानते हैं कोरोना की वजह से भारत में वन प्राणियों को कोई खतरा नहीं। हम आपको बता दें, भारत में 2,967 बाघ वर्तमान में मौजूद हैं। यह संख्या पूरे दुनिया के बाघों की 1/4 है। इस समय देश के 50 टाइगर रिजर्व हाई अलर्ट पर रख दिए गए हैं। एक्सपर्ट मानते हैं टाइगर के मौत की वजह में से एक वजह रेबीज, एथरेक्स और कैनाइन डिस्टेंपर हो सकती है। माना जा सकता है कोरोना से ज्यादा खतरा बाघों को जलवायु परिवर्तन, अवैध शिकार और कई अन्य कारण की वजह से होता है। हम आपको बता दें, विंध्य में वर्तमान समय में 182 के आसपास बाघ मौजूद हैं, जिसमें से बांधवगढ़ में लगभग 110, संजय गांधी में 22, पन्ना में जहां पर कुछ दिन पहले तक एक भी बाघ नहीं थे 40, मुकुंदपुर में 10 बाघों की मौजूदगी दर्शाती है विंध्य इस मामले में काफी बेहतर स्थिति में है। एक्सपर्ट भी मानते हैं कोरोना से शेरों को कोई खतरा नहीं, फिर भी एहतियात बरतना जरूरी है। इस बारे में हमने क्षेत्रीय संचालक बांधवगढ़ विसेंट रहीम से बात की। आइए सुनते हैं वन प्राणियों के पीछे अपना पूरा जीवन गुजारने वाले इस बारे में क्या कुछ कह रहे हैं। वन क्षेत्रों में जो बाघों की मृत्यु होती है उसके सामान्यतः यह कारण रहते हैं कि यदि बाघ अत्यंत वृद्ध हो गया हो या बीमार हो गया हो या अन्य बाघों से क्षेत्रीयता के लिए टेरिटरी के लिए उसकी कोई लड़ाई हुई, तो जो कमज़ोर बाघ होता है वो इसमें मृत्यु हो जाती है उसकी। इसी प्रकार से यदि कोई बाघ दूसरे बाघों की लड़ाई में घायल हो जाता है और उसे ऐसे स्थान पर चोट पहुंचती है जहां पर वो अपने जीभ से चाट कर उस चोट को ठीक नहीं कर पाता है, तो सामान्यतः उसकी कीड़े पड़ने के फलस्वरूप मृत्यु हो जाती है। जो बाघ के शावक होते हैं, जो वयस्क हो रहे बाघ होते हैं, उन्हें न सिर्फ वयस्क बाघों से बल्कि अन्य जो मांसाहारी प्राणी हैं उनसे भी खतरा रहता है और बाघ के शावकों को भी बहुत खतरा रहता है जब तक वे वयस्क नहीं हो जाते हैं। तो यही कारण है कि बाघों के जो आयु के होने के अतिरिक्त जो अन्य मृत्यु के कारण हैं वो निम्न कारण ही है। इसके अलावा अप्राकृतिक रूप से जो शिकार के प्रकरण होते हैं उसमें अक्सर बाघों की मृत्यु हो जाती है, कभी कभी धोखे से भी बाघों का शिकार हो जाता है। लेकिन बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का पूरा प्रबंधन इस प्रयास में है कि किसी भी प्रकार से अप्राकृतिक कारणों से शिकार से बाघों की मृत्यु ना हो और पूरी मुस्तैदी से अपने कार्य में लगा हुआ है। इन दिनों जब लॉकडाउन चल रहा है तब भी पूरे जो स्टाफ है और हमारे जो श्रमिक हैं पेट्रोलिंग के, वे दिन रात क्षेत्रों की गश्ती कर रहे हैं और ऐसी कोई भी घटना अभी तक प्रकाश में नहीं आई जिसमें बाघों की मृत्यु का कोई भी कारण अप्राकृतिक कारण समझ में आया। शेरों की मौत दुनिया के एकमात्र सफारी सहित बांधवगढ़ में भी। हमने भी वजह खोजने की कोशिश की, इसलिए हम जा पहुंचे रीवा महाराज पुष्पराज सिंह के पास, जो कभी वाइल्ड लाइफ के पूर्व सदस्य भी रह चुके हैं। पिछले दिनों पूरे देश दुनिया में कोरोना से हर आदमी जूझ रहा था, उसी दौरान ये माना जा रहा था कि पर्यावरण में काफ़ी सुधार हुआ है, लेकिन विंध्य से एक बुरी खबर आई। विंध्य को ये माना जा रहा था कि बाघों के हिसाब से विंध्य में काफ़ी बाघ हैं, उसी के चलते मध्य प्रदेश को स्टेट टाइगर का दर्जा भी दिया गया था, लेकिन एक हफ्ते के दौरान 3 बाघों की मौत होती है, 2 बाघ बांधवगढ़ में मरते हैं, 1 बाघ रीवा के वाइट टाइगर सफारी, जो दुनिया की एकमात्र वाइट टाइगर सफारी, वहाँ उसकी मौत होती है।
इन सारे सवालों का जवाब हमने ढूंढने की कोशिश की, हमने जानने का प्रयास किया बाघों की मौत आखिर क्यों हुई। हम इसी सिलसिले में जा पहुंचे पर्यावरण के जानकार वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट महाराजा पुष्पराज सिंह जी के पास। हम इस समय उन्हीं के पास मौजूद हैं, हम उन्हीं से जानने समझने का प्रयास करेंगे इस समय बाघों की मौत की वजह क्या हो सकती है। लोगों का आना जाना, लोगों की ट्रैफिक में कमी, गुड्स ट्रैफिक में कमी, ट्रेनों का न जाना, बांधवगढ़ नेशनल पार्क के एक कोने से रेलवे लाइन भी निकलती है, सड़कें भी हमारी जाती हैं, घुनघुटी एक क्षेत्र है जहाँ से ट्रेन भी निकलती है, हमारा शहडोल का भी मार्ग वहाँ से जाता है। तो ये हो सकता है कि जो बॉर्डर ऑफ बांधवगढ़ है जो उस तरफ जाता है उमरिया और उमरिया के बाद में घुनघुटी तरफ भी, उस एरिया में टाइगर के मूवमेंट में बदलाव आया होगा। यहाँ ये कहना मुनासिब होगा, उचित होगा कि बांधवगढ़ के अंदर बाघ बहुत बढ़े तो उनकी टेरिटरी भी बढ़ी और बढ़ी हुई टेरिटरी उन्होंने बाहर तक देखी। और जब देखा होगा कि लोग कम हैं, यहाँ सुनसान क्षेत्र है, तो निश्चित रूप से वो वहाँ पर जाकर अपनी नई टेरिटरी, अपनी नया परिक्षेत्र बनाया। उसी दरमियान ये लोग महुआ बिनने गए होंगे, अगर टाइगर वहाँ कोई आ गया तो उसकी जानकारी हमारे पास नहीं थी तो हम गांव वालों को सजग नहीं कर पाए, गांव वाले भी उस बात को ध्यान में नहीं रख पाए और वहाँ फंस गए और ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। ये तो रही बात बांधवगढ़ में, वहाँ पर जिस प्रकार से इन फाइटिंग के कारण भी टाइगर की डेथ्स हुई, इन फाइटिंग एक बहुत नॉर्मल फिनोमिना है, ये एक सामान्य प्रक्रिया है जो टाइगर्स के बीच में होती है जब वो अपना क्षेत्रफल बढ़ाने जाते हैं, तो उसके कारण हुई। अब आते हैं अपन वाइट टाइगर सफारी जू पे, तो ये लगभग 7 या 7.5 साल की टाइग्रेस थी, बताया जाता है कि किडनी फेलियर हुई हैं, ये एक्सपर्ट्स की शायद राय आई है। मेरा ये मानना है कि दो चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, जब हम कहीं से भी टाइगर लाते हैं तो उसका पूरा परीक्षण हो, उसकी रिपोर्ट हो, और वो रिपोर्ट जैसे आज टाइगर की घटना यहाँ पर हुई है, उसको देखा जाए कि वो पूरे टाइगर के वो बॉडी पार्ट्स ठीक से फंक्शन कर रहे थे, क्या था क्या नहीं था, ये सारी जानकारी हमको यहाँ पर रहनी चाहिए जिससे कोई भी ऐसी दुर्घटना हो तो हम दिखा सकें रिकॉर्ड। और दूसरा है जो यहाँ पर हम मांस उपलब्ध करा रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है कि उसका परीक्षण हो जाना चाहिए कि कोई उसमें तो कहीं गड़बड़ी नहीं हो रही है या कहीं कोई ढील ढाल तो नहीं हो रही है, उसका परीक्षण एक बार हो जाए कि उसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जा रही है, ऐसे कीटाणु तो नहीं जा रहे हैं, ऐसा रोग तो नहीं आ रहा है जिसके कारण कोई भी बॉडी पार्ट उनका ख़राब हो, उसके कारण ये डेथ हो सकती है, ऐसा मेरा अनुमान है। कोरोना को हराना है, अभी तक हमने ये करके दिखाया है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, सरकार के दिए दिशा निर्देशों का पालन करिए। अपने मेजबान जीशान जावेद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।